एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। वीडियो देख रहे हैं तो लेके चेहरे पे स्माइल और कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, और प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए मैं आप लोग लखनऊ महोत्सव घुमाती हूँ, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग शुगर कैंडी खा रहे हैं, राजा बेटे भी खा रहे थे इसे पहन कर। Ya, 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 और यहाँ बेटा जी दूध पी रहे हैं, इनको बहुत भूख लग गई थी, मतलब पूरा मुंह सूख गया था, फिर भी रो नहीं रहे थे, टुकुर टुकुर ताक रहे थे, इनको ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि हमको भूख लगी, ऐसे मतलब एकदम सुस्त हो गए थे, चिल्ला वाला नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी ताक रहे थे, रो नहीं रहे थे बिल्कुल। फिर मैं कही कि चलिए इनको दूध पिला देते हैं, तो इनके पापा पिला रहे हैं। तो रहा है, भूख लगती है तो खींचता है। और यहाँ पे कप प्लेट वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे यहाँ पे। और तू ले थोड़ा सा, पेट भर गया। और इधर मैट भी बहुत अच्छा अच्छा था, इधर उसी के बगल में। और मैंने भी एक दो सामान लिया था, कूटने वाला लिया था उससे बाबू का, कुछ बादाम वादाम खिलाना पड़ेगा ना, तो सिलबट्टा वगैरह पर वहाँ पे थोड़ा मिर्ची लगी रहती है, तीखा हो जाता है, तो मैंने कहा इनसे चलो देखते हैं, तो ये 100 रुपीज़ में दे रहे थे, तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे। लो
ले लो भैया 100 रुपीज। खाली ये भी देंगे 120 का ये और पूरा 150। और यहाँ पे हम लोग झूला झूले थे, यहीं पे ये वाला चल रहा है ना, वही वाला। ये ब्रेक डांस नहीं, ब्रेक डांस पे तो बहुत डर लगता है मुझे, और राजा बेटों को लेके तो ऐसे भी मैं गिर जाती। और इनको तो थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था, तो ब्रेक डांस पे भी झूल सकते हैं, मुझे ऐसा अब फील हो रहा है। थोड़ा भी डर नहीं रहे थे, चुपचाप बैठ के ताक रहे थे। और मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली बैठी थी, तो जैसे ऊंचा से ऐसे नीचे आ रहा था ना, तो मैं ऐसे हिल जा रही थी, इधर से उधर हो जा रही थी। और ये चुपचाप बैठे थे, इनको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था। मुझे इसलिए डर लग रहा था कि मैं अकेली मतलब बैठी हूँ, और एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है इनको, और अब मैंने झूल लिया, अब मैं उतर गई हूँ नीचे, अब हम लोग घर चले जाएंगे। अब शाम हो गई, इतना अंधेरा अंधेरा भी आ रहा है। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और इन्जॉय करिएगा। ओके, बाय बाय।